अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में बार कोड को कैसे जनरेट करते हैं या क्यूआर कोड को हम जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। अब इसकी हमें ज़रूरत काफ़ी जगह पर पड़ सकती है, कोई मतलब पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन में या कहीं भी जगह पर हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हमने कोई अपना बार कोड जनरेट करवा के उसे प्रिंट करवा के उस जो है वो उस पर अटैच करना है किसी भी प्रोडक्ट के, उसको स्कैनेबल हो। तो ये हम कैसे सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये बार कोड और क्यूआर कोड, बेसिकली इसको हम जो है वो 2D 3D भी बोलते हैं, बार कोड को 2D और क्यूआर कोड को 3D। तो इसके लिए प्रॉपर स्कैनर होते हैं जो स्कैन करते हैं प्रोडक्ट को। अच्छा, तो इसको हम जनरेट कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, यहाँ टूल बॉक्स में चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ एक, और एक मुझे चाहिए बटन, एक बटन भी आ गया, एक हमें चाहिए लेबल। मैं इसको थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बना लेता हूँ, तो उसके बाद हम जो है वो इसको जनरेट करेंगे। पिक्चर बॉक्स हमें एक चाहिए, ये पिक्चर बॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हम जो है वो जो भी बार कोड या क्यूआर कोड हम जनरेट करेंगे, बेसिकली उसको मैं इस पिक्चर बॉक्स में शो करूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैंने इसे थोड़ा सा जो है वो मतलब इसकी डिज़ाइनिंग की है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली बार कोड जनरेट हम अलग वे से कर सकते हैं, मुख्तलिफ इसके तरीक़ाकार हैं जिनसे हम जो है वो इसको जनरेट कर सकते हैं। अब बार कोड एक तो होता है कि आप कस्टम जनरेट करना चाहते हैं, मतलब जो आप यहाँ इस डब्बे में ये टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें ये उसका बार कोड जनरेट करके दें, और दूसरा होता है रैंडम, कोई भी रैंडम नंबर से जनरेट करें। तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा और दोनों को बताऊंगा कि बार कोड और क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक जो है वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें और मैनेज न्यू अगर पैकेज में चले जाएँ, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है। यहाँ से ब्राउज में जाएँ, ब्राउज में जाने के बाद यहाँ से आप जो है वो सर्च करें, यहाँ से मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर अभी लोडिंग कर रहा है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ zxing.net। ये देखें zxing.net की एक पैकेज है, ये पहले वाला ही जो है वो इसी को ही आप इंस्टॉल कर लें। इस पर यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये अभी इंस्टॉल हो चुका है, इस पर टिक भी लग चुकी है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आप रेफरेंसेस में चेक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ये देखें एक्सिंग जो है वो इसमें ऐड हो चुका है। अब इस बटन के क्लिक पे मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ कि कोई भी हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और उसका बार कोड बनाएंगे, बाद में हम डायरेक्ट भी करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं जनरेट पर डबल क्लिक करता हूँ, तो इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम पहले रैंडम नंबर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ रैंडम नंबर, रैंडम एक क्लास होती है, मतलब एक बना बनाया फंक्शन है जिसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ रैंडम के साथ। इससे ये क्या करता है, हमें कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे देता है, जो हम इसको रेंज भी बता सकते हैं कि इतनी इतनी रेंज में हमें कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दो। तो यहाँ पर मैं इंटीजर में ले लेता हूँ, जैसे कि रैंडम नंबर, ये मैंने रैंडम नंबर ले लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही नज़र आए। अच्छा, रैंडम इसमें हम स्टोर करवाएंगे यहाँ पे जो जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया rnd.next। अच्छा, इसमें अब इसमें ये आपको मतलब कोई भी रेंज में बना के देगा, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ हमें इस रेंज में मतलब 10,000 या 10 लाख के करोड़ की रेंज में हमें जो है वो आपने देना है बना के। मैंने ऐसे रेंज भी इसको बता दी, इतनी रेंज में सिर्फ हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करके दो। अब रैंडम नंबर जो है वो यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं शो करवा लेता हूँ जो हमारा बार कोड टेक्स्ट बॉक्स है उसमें। तो ये हमारा जो भी रैंडम नंबर होगा ये हमारे इस डब्बे में आ जाएगा। पहले मैं आपको इतने चेक करवाता हूँ कि हमारा रैंडम नंबर प्रॉपरली जो है वो जनरेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है, मैं यहाँ पे जनरेट बार कोड पर क्लिक करता हूँ, तो देखें ये रैंडम नंबर जनरेट हो रही है। अब ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं इसी का ही हमने बार कोड या क्यू आर कोड बनाना है, तो वो कैसे हम करेंगे यहाँ पर देखें। अब ये रैंडम नंबर बन गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, बार कोड जो हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया है उसकी उसका ही फंक्शन है बेसिकली बार कोड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसकी नेम स्पेस हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ये खुद ही हो जाएगी बार कोड राइटर। ये देखें, इस पर मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा तो ये कह गया ऊपर, ये देखें यूजिंग zxing.net, ठीक है।
इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बी बार कोड आर इज इक्वल टू न्यू बार कोड राइटर। अब ये बेसिकली काम करता है हमारा बार कोड को जनरेट करने का। अब इसमें हमने फॉर्मेट देना होता है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया आप कोई भी ले सकते हैं इसको, तो कोई मसला नहीं। अब इसका मैं लिखता हूँ यहाँ पे बार कोड आर डॉट फॉर्मेट, मैं यहाँ पे फॉर्मेट बताऊंगा। अब फॉर्मेट में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट है, कौन कौन से जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ बार कोड फॉर्मेट डॉट, अब ये देखिए ये कोड बार कोड 1 2 ये सारे ये जो है बेसिकली इसको यूज कर लें आप। ये होता है बार कोड के लिए, और यहाँ पे हमारे पास एक क्लास भी होगा क्यू आर कोड। ये देखिए क्यू आर कोड जनरेट करना है तो उसका ये है, तो मैं यहाँ पे आपको यही करके दिखाता हूँ कि हमें अभी बार कोड ही जनरेट करना है। अब ये क्या करता है बार कोड का फॉर्मेट, हमने इसको बता दिया कि इस फॉर्मेट में हमारा डिजाइन करना है। अब हमने इसको इसकी इमेज बनानी होती है, आपने देखा होगा बार कोड की प्रॉपर इमेज होती है, तो वो हम इमेज बनाते हैं उसके लिए। बिट मैप बार कोड इमेज कर देता हूँ इसको, बार कोड की इमेज इज इक्वल टू ये जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया बार कोड ये वाला आर वाला डॉट राइट। अब इसके अंदर हमने जिसका बार कोड जनरेट करना है, अब हमने इसे रैंडम नंबर का बार कोड जनरेट करना है, तो मैं रैंडम नंबर यहाँ पे पास कर दूंगा। तो ये इसका रैंडम नंबर का बार कोड जनरेट करेगा, डॉट पोस्टिंग कर दें इसको। अच्छा अब ये इसने इमेज बना दिया, अब इमेज हमारी जो है वो इसमें आ चुकी है। अब हम इसको शो करवाएंगे यहाँ पे इस वाले पिक्चर बॉक्स में, इसको थोड़ा सा मैं बॉर्डर शॉर्डर दे देता हूँ एक सिंगल। चलिए इसमें शो करो, इसका नाम भी पिक्चर बॉक्स वन है, तो यहाँ भी मैं कर देता हूँ पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज। अगर कोई पहले पड़ी है तो वो नल कर दो, बाद में हम इसको पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज इज इक्वल टू ये बार कोड इमेज। अब हमारी इमेज जो है वो पिक्चर बॉक्स में आ जाएगी। चलें इसको टेस्ट करते हैं स्टार्ट करके। तो यहाँ फ्रेंड ये एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ इसको, देखें जनरेट जैसे ही मैंने किया, अभी इसकी मैं सेटिंग मेटिंग कर लेता हूँ। देखें ये देखें साथ साथ में इमेजेस भी चेंज हो रही है और बारकोड भी हो रहा है, मैं ये आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, उसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ। ये नॉर्मल की बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ स्ट्रेच इमेज, अब ठीक आएगा ये स्ट्रेच कर ले जूम कर ले, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है कि जितना इमेज का साइज है उसको पूरा करके दिखाओ इसमें, तो ये मैंने सेट कर दिए। तो अब हम जनरेट करते हैं यहाँ से जनरेट, देखें प्रॉपर बारकोड हमारा जनरेट हो रहा है। ये देखिए रैंडम नंबर से कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इस बॉक्स में शो करवाया, तो मैं आपको यहाँ पे इसका क्यू आर कोड भी जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब हमने करना क्या, ये कोड 128 की जगह हम कर देंगे क्यू आर कोड, इसका क्यू आर कोड जनरेट करो। क्यू आर कोड में हमें फॉर्मेट चाहिए बार कोड का, तो अब इसी का ही जो भी रैंडम नंबर होगा इसका हमें क्यू आर कोड जनरेट करके देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड इसको जनरेट करता हूँ, तो देखिए ये अब क्यू आर कोड जनरेट हो रहा है। ये इसे बेसिकली हम क्यू आर, तो ये स्कैनेबल है, उसको स्कैन करें जिधर मर्जी स्कैन करें प्रिंट करें तो ये होगा, ठीक है ये देखिए। अच्छा अब लास्ट में हमें कस्टम चाहिए, ये तो रैंडम है। अब मैं यहाँ पे जो इस बॉक्स में लिखूँ ये उसका ही करें, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बार कोड टेक्स्ट बॉक्स है ना इसको हम जो है रैंडम नंबर जनरेट नहीं करेंगे, ये जब मैंने रैंडम नंबर जनरेट किया था तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दूंगा बार कोड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अब डायरेक्ट बार कोड में जो हम लिखेंगे ये उसका जनरेट करेगा, रैंडम नंबर मैंने खत्म कर दिया। अब इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे फ्रेंड अब मैं लिखता हूँ जैसे कि एडवांस टीचिंग 1 2 3 ये मैंने लिखा, जनरेट करता हूँ तो ये सॉरी क्यू आर कोड है। अब इसने इसका क्यू आर कोड बना दिया जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका, लेकिन हमें बार कोड में इसको करता हूँ तो आपको वाजिया हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोड 128, कोड चेंजेस अप्लाई कर देते हैं। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ से, देखें अब देखें मेरा उसने ये आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा लिखा, उसी का ही बार कोड जनरेट किया है जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ए बी सी लिख देता हूँ जनरेट करता हूँ, देखिए ए बी सी का ही उसने बार कोड जनरेट किया। तो ऐसे आप कोई भी कस्टम कर सकते हैं। अब इसको आप डेटाबेस में सेव करवाएं कहीं पे प्रिंट करवाएं वो आपकी मर्जी। तो ऐसे हम जो है वो बार कोड और क्यू आर कोड सी शार्प इंटरफॉर्म एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, इसको जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।